हेलो एवरीवन, और अभी बज रहे हैं, संडे है और आज बज रहे हैं अभी 6, शाम के 6, और हम लोगों का लंच हो गया है। और लंच में आज बना था चिकन और चावल। चिकन को मैं एकदम सिंपल तरीके से आलू दे करके बनाई थी, मतलब बिल्कुल ही रिच नहीं बनाई थी। और कल का जो मैं मतलब डिनर बनाई थी रात को, आलू पनीर की सब्जी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज सुबह मैं एक बहुत ही गंदा सा हॉरिबल एक ब्रेकफास्ट बनाई थी, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिरकार मैं क्या बनाई थी आज सुबह। और ऐसा ब्रेकफास्ट, मतलब खैर अच्छा बुरा खाना तो बन ही जाता है हर दिन किसी, मैंने हर किसी से, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोग बहुत बड़े सेफ तो है नहीं कि रेगुलर का खाना हम लोगों से अच्छा ही बनेगा। तो जैसा कि मैं हर दिन आप लोगों को बोलती हूँ कि अच्छा खाना बनाई हूँ, तो जो गंदा खाना बनाई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है और डेली ब्लॉग में अच्छा या बुरा सभी कुछ शेयर करना चाहिए। और किसी का भी खाना, हम लोग हाउस वाइफ लोगों का, विशेषकर हाउस वाइफ क्या सेफ लोगों का भी खाना रेगुलर का अच्छा नहीं बनता है, किसी दिन अच्छा तो किसी दिन बुरा बन जाता है। जब हम लोग बाहर होटलों में खाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम लोग खाते हैं, तो एक ही टेस्ट रोज नहीं मिलता है। आज अच्छा मिल गया तो किसी दिन तीखा कम होता है तो किसी दिन तीखा ज़्यादा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो वो लोग उतने बड़े सेफ होकर भी जब उन लोगों से ख़राब खाना बन जाता है, और कभी कभी तो होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसा भी होता है कि मांगो कुछ तो दे देते हैं वो लोग कुछ, ये मिस्टेक भी कभी कभार हो जाता है। तो जब उन लोगों के साथ इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोगों के साथ भी अच्छा बुरा खाना बन जाता है। तो हम लोग सेफ तो है नहीं, हाउस वाइफ है, बनाते बनाते ही सीखते हैं और क्या। और किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा खाना भी बन जाता है। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही गंदा बना था, जो मैं और नयन खाए, और मेरे हस्बैंड तो पहले ही हाथ जोड़ दिए और बोले मेरे लिए उपमा बना दो, तो उनके लिए मैं उपमा बना दी। और देखिएगा आप लोग कि मैं क्या बनाई हूँ आज सुबह ब्रेकफास्ट में, जो इतना गंदा था, मतलब खैर चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाई थी। ओके बाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, और आज अभी बज रहे हैं 10:30, और चाय पियाई हो गया है, और आज दिन है संडे। और कल रात को डिनर में मैं बनाई थी आलू पनीर की सब्जी, और पनीर मेरा होममेड है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे उतना पनीर में, 1 किलो दूध का ये पनीर है, और उतना पनीर में मैं 2 ठो आलू ली हूँ। और यहाँ पे 1 टमाटर और 1 प्याज को मैं बारीक पेस्ट बना ली हूँ, और उस पेस्ट को फिर हम लोग पनीर की सब्जी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं तेल गरम कर ली हूँ, और तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद फिर हम लोग पनीर को फ्राई करेंगे। और पनीर को फ्राई करने से पहले मैं उसमें 1 टीस्पून मैदा कोट कर लूँगी पनीर में, क्योंकि पनीर जब भी हम लोग फ्राई करते हैं तो देखिएगा आप लोग कि तेल के काफ़ी छींटे उड़ते हैं, तो ये तेल के छींटे नहीं उड़ेंगे पनीर डालने से। उसमें 1 टीस्पून मैदा यदि आप लोग कोट कर ले तो पनीर में, और पनीर काफ़ी सॉफ्ट भी बनेगा। ये मैंने मैदा को मिला लिया है, अब मैं फ्राई करूँगी, और पनीर को हम लोग लाल लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और आलू को आप लोग चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, और वैसे ही भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं, क्योंकि कुकर में मैं पकाऊंगी, और कुकर में यदि आप लोग नहीं पका रहे हैं तो आलू को पकने में थोड़ा समय भी लगता है, और आलू में कोई टेस्ट भी नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग फ्राई ही कर लें। और मैं कुकर में फिर मसालों को डाल दूंगी, जिससे कि आलू अच्छी तरह से पक जाएगा और ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि फ्राई करने से आलू में भी टेस्ट आता है और सब्जी में भी टेस्ट आता है। लेकिन हम लोग समय बचाने के लिए या हल्का बनाने के लिए आलू को फ्राई नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो मैं भी फ्राई नहीं की हूँ। ऐसे आलू फ्राई करने से सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आलू फ्राई नहीं की हूँ। और दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे हैं मैं कटोरे में गर्म पानी चढ़ाई हूँ, ये हल्का उष्ण गर्म पानी में 1 चिटकी नमक डालकर गर्म कर लेने से फिर पनीर मैं उसमें फ्राई करके डाल दूँगी, क्योंकि पनीर को हम लोग पानी में इसलिए डालते हैं कि पनीर काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो पनीर काफ़ी चीवी हो जाता है। और ये मैं पानी में डाल दे रही हूँ पनीर, और इस पानी को भी मैं सब्जी में डाल दूँगी, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करूँगी, इसी पानी से मैं सब्जी को बना लूँगी।
और ये जो बचे हुए तेल है इसमें मैं मसाले को डाल दी हूँ, जो प्याज और टमाटर का पेस्ट मैं बनाई थी। और यहाँ पे अदरक लहसुन टमाटर, हाँ टमाटर यूज़ की हूँ मैं, अदरक लहसुन यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है और कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं किया गया है। और इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कच्चा स्मेल ना चला जाए तब तक, या मसाला जब तक, जब तेल छोड़ने लगे तब तक। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी मैं डालूँगी और किचन किंग मसाला भी मैंने डाला है सब्जी में। और ये मसाला धोकर के, जो मिक्सी धोकर उसका पानी है वो डाल देंगे हम लोग, क्योंकि मसालों का धोया हुआ पानी जरूर डालना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते आए हुए तो यही है। और हम लोगों का मसाला अच्छी तरह से पक रहा है, तेल छोड़ने तक हम लोग पका लेंगे, नहीं तो कच्चा स्मेल आएगा तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। और मसाला आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और तेल छोड़ चुका है। अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे, और आलू यदि हम लोग फ्राई करने रहता तो पनीर के बाद ही हम लोग आलू फ्राई कर लेते, लेकिन आलू मैं फ्राई नहीं की हूँ। और ये मेरा नया आलू है तो गलने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे धनिया जीरा गरम मसाला का एक पेस्ट मैं, मैंने पाउडर बना के रखती हूँ घर में ही, वो पाउडर मैं डाल दी हूँ। और आप लोग यदि आप लोग के पास ये मसाला नहीं होगा तो आप लोग सिर्फ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये रहा किचन किंग मसाला, किसी भी पनीर की सब्जी में 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डाल देने से सब्जी का टेस्ट डबल बढ़ जाता है। और ये हुआ कसूरी मेथी, मैं डाल दी हूँ। और सभी को अच्छी तरह से भूनने के बाद ये जो 2 आलू को मैं बारीक चॉप करके रखी थी उसको मैं डाल दी हूँ, और डाल के अच्छी तरह से मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर हम लोग कुकर में डाल देंगे। और कुकर में 1 सीटी आने के बाद फिर हम लोग गैस बंद कर देंगे और कुकर के खुलने का इंतज़ार करेंगे। कुकर खुलने के बाद फिर उसमें मैं पनीर को मिक्स कर दूंगी। पनीर का जो पानी है उसी पानी से, मतलब थोड़ा सा पानी डाल देने होगा कुकर में, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा और वो पानी हम लोग का वेस्ट होगा। तो उसमें तेल या गर्म पानी वगैरह है सभी है, और पनीर का पानी भी है, तो यूज़ करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और रहा खान सब्जी का परिमाण बताने का कि कितना क्या डाले नहीं डाले, वो हर किसी को पता रहता है कि कितना क्या डाले नहीं डाले, तो उतना परिमाण बताने जाने से फिर सब्जी अच्छा भी नहीं बनता है। तो इतना तो हर किसी को ही आइडिया रहता है कि कितना क्या डालना चाहिए, तो इसलिए वो परिमाण मैं नहीं बताई हूँ। हल्दी, कश्मीरी मिर्च, किचन किंग और कसूरी मेथी मैंने डाला था एक्स्ट्रा मसाले में, और धनिया पाउडर या धनिया गरम मसाला का पाउडर, यही बस मैं डाली हूँ। और ये पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। और कढ़ाई धो करके मैं वो पानी भी डाल दी हूँ, और अभी पनीर का पानी मैं नहीं डालूंगी यहाँ पे, और इसे 1 सीटी हम लोग लगा लेंगे। नमक भी मैं डाल दे रही हूँ अभी, और आप लोग चाहने से इसमें थोड़ा सा टोमेटो और सॉस नमक भी भी डाल मैं सकते डाल हैं। रही मैं हूँ, हर और वक्त पनीर पनीर की की सब्जी सब्जी में करके मैं टोमेटो एक सॉस सीटी डाल लगा दूंगी, दूंगी, इसलिए आज नहीं डाली और होगी। आज सुबह मैं इतना गंदा एक ब्रेकफास्ट बनाई थी कि वो मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना गंदा कि कोई भी खाने से बेहोश हो जाए, इतना गंदा। और वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाई थी। मैं और नयन खाए, मेरे हस्बैंड तो खाए नहीं, वो उपमा खा लिए, और मतलब ऐसा ब्रेकफास्ट खाने से अच्छा है कि कोई ना खाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और यही है, पनीर मेरा खौल रहा है और मैं यहाँ पे पनीर को भी डाल दी हूँ, और उसका पानी भी आप लोग देख पा रहे हैं, और ये अच्छी तरह से खौल रहा है। और ये मेरा पनीर, आलू पनीर की सब्जी एकदम तैयार है। ये देखिए आप लोग, आलू पनीर की सब्जी, और आप लोग इसमें चाहने से 1 टेबल स्पून बटर भी डाल सकते हैं ऊपर से। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं रोटियों में मक्खन लगाती हूँ हर दिन, तो इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। टेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग मक्खन डाल ही सकते हैं, या कश्मीरी मिर्च का परिमाण भी बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मैंने नहीं डाला है ज़्यादा, क्योंकि कश्मीरी मिर्च भी ज़्यादा डालने से वो भी थोड़ा स्पाइसी होने का चांसेस रहता है इसलिए। और अभी थोड़ा सा मेरे घर में स्पाइसेस का थोड़ा सा ये चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना किए थे कि काफ़ी कम झाल बनाओ, बहुत
मतलब तीखा हो जा रहा है। और ये आलू पनीर की सब्जी मेरी बनके तैयार है। अब चलिए देख लेते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट मैं क्या बनाई थी, जो इतना गंदा था कि कोई भी खाए तो बेहोश हो जाए। और जैसा कि ये हम लोगों का डेली ब्लॉग है, तो सभी अच्छा कुछ दिखाते हैं तो बुरा भी दिखाना चाहिए। जैसा कि मैं कोई बड़ी सेफ तो नहीं हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, और खाना रेगुलर का अच्छा नहीं बनता है, कभी अच्छा और कभी बुरा भी बन जाता है। तो आज इतना गंदा ब्रेकफास्ट बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में, संडे है और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी उड़द दाल की कचौड़ी। मैंने उड़द दाल की कचौड़ी मतलब जिसे बेदमी पूरी बोलते हैं या क्लब कचौड़ी बोलते हैं, वो बनाई थी मैं, और सिर्फ नयन और मेरे लिए ही बनाई थी, इसलिए इतना गंदा था। ओके बाय फ्रेंड्स।